Okay. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप सबको बता कर रखा है, साल भर में हम लोग बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स करने वाले हैं। ओके, लाइक बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ। तो इसके लिए सेपरेट नोटबुक आपको प्रिपेयर करना है जिसमें आपका पूरा ग्रामर का कंटेंट होगा। ओके, तो अच्छे से वो रखना है आपको, एंड में वो काम में आएगा। अभी जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे आज, वो शायद आपको लगेगा कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन शुरुआत वहीं से करने वाले, बिकॉज अगर वो सबको समझ में आ गया तो फिर आगे के टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर हो गए। शायद इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नाइन्थ में हम लोग ने ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ कर रखी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि क्या वापस वही करा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक क्विक रिवीजन होगी हमारी और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इन टूडेज लेक्चर हियर, नहीं टेंसेस अभी शुरू में नहीं, टेंसेस को अभी टाइम है। आज हम लोग बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक सीखने वाले हैं इंग्लिश में, दैट इज इन इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, या पता भी होगा आपको सबको, यस और नो? ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, हाँ, सो कौन मुझे बताएगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, कितने होते हैं? अच्छा, किसको किसको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, ऐसे बच्चे हाथ ऊपर करो, डोंट हेजिटेट टू रेज योर हैंड, जस्ट टेल मी। सीखना तो है ही ना, आज ना कल कभी ना कभी सीख ही रहे ना। हाँ, पता नहीं है, ऐसे बच्चे हाथ ऊपर करो जिनको इसके बारे में पता नहीं है। हाँ, कर सकते हो बिंदास हाथ ऊपर करो, बाकी सबको मैं समझ सकती हूँ कि बाकी सबको पता है, तो फिर कुछ भी पूछूंगी मैं फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर पता है तो। ठीक है, सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हाँ, एज समबडी सेड कि देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी सबको स्पीच पता है ना रे, सबको स्पीच पता है? हाँ, स्पीच इज व्हाट, जैसे मैंने बोला आयुष कम फॉरवर्ड एंड गिव अ स्पीच ऑन दिस टॉपिक, तो वो बोलना चालू करेगा, है ना? या फिर मैंने लिखा राइट अ स्पीच ऑन दिस टॉपिक, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे। सो बेसिकली हियर इन द स्पीच इट कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, है ना? स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे जो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ ये भी सब सेंटेंसेस है। हम लोग जनरली जो बात करते हैं, है ना, जैसे कि आप मराठी में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, आपकी कोई मदर टंग हो उसमें बात कर रहे हो, तो वो सब क्या है? आप सेंटेंसेस को ही बोल रहे हैं ना, दैट इज स्पीच। अभी ये स्पीच बना कैसे? सेंटेंस से बना, राइट? अभी सेंटेंस कैसे बनते हैं? उस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स है, है ना? जैसे कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो उसके कुछ पार्ट्स से जुड़कर वो बन रही है, राइट? अगर ये मेरे हाथ में मार्कर है तो ये मार्कर कैसे बना? इसके भी कुछ पार्ट्स है, ये उसका कैप हो गया, है ना, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, इंक है, स्पंज है, उसकी आउटर बॉडी, पार्ट्स से मिलकर ये बना। वैसे ही स्पीच भी है, कुछ पार्ट्स को लेकर बन रहा है, और वो कौन से पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। ओके, हाँ, जैसे कुछ बच्चों को जैसे अभी मैंने पूछा कि हाँ दे ऑलरेडी नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो हाउ मे देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कौन से है? कैन यू नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन? एक हाथ ऊपर करो, जिसको पता है वो हाथ ऊपर करो। यस सिमरन, ओके, ठीक है, सही बोला इसने। यस, तुम बता सकती हो? डिटरमाइनर्स इज डिफरेंट। ओके, ठीक है, बैठ जाओ। और कौन है? हाँ, सीक्वेंस नहीं चलेगा, बता दो बस।
बराबर है, हो गए ना आठ, गुड गुड नाइस। तो जैसे इसने अभी बताया, सो देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यू माइट हैव ऑल नो अबाउट दैट कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, दीज आर द एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पूरे एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों को वन बाय वन सीखना है। ओके जैसे कि बात कर रही थी मैं सेंटेंस की, अभी सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले वो समझ कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस? दहिया ठीक है, सही है थोड़ा बहुत। हाँ यस, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। और एक परफेक्ट डेफिनेशन या फिर, अच्छा ठीक है, जैसे अभी इनकी डेफिनेशन से मुझे ये समझ में आया, सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी मैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रही हूँ, मुझे बोलो, रक्षा, श्वेता, सिमरन, सुनीता, संकेत, जानवी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या, ये सेंटेंस हुआ कह रहे? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? यस एग्जैक्टली, है ना, दैट इज द पॉइंट। सब सब लेना है, हाँ ले लो, यस अब्सेंट के नाम बताओ रे, समीक्षा, अभय, पूनम, हर्ष, निकिता, शैलेश, अक्षरा, अक्षरा के पेरेंट ने इन्फॉर्म किया है, शैलेश के पेरेंट्स ने इन्फॉर्म किया है, बाकी तीन नहीं आना, जाओ विषय सोड, हाँ बाकी चने ना इन्फॉर्म केलं, तुषार ठीक है। हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग कहाँ पर, सेंटेंस के। जैसे इन्होंने बोला सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है मैंने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ ले लिए, श्वेता, अनुष्का, तनिष्का, ये वो सबके नाम ले लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या ये सेंस करेगा? नहीं, है ना, तो क्या ये सेंटेंस हुआ? नहीं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, ये बात जरूरी है ना उसमें। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस हुआ क्या? नहीं। उसे हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं क्या? नहीं, देन दैट इज नॉट सेंटेंस, है ना। जैसे मैंने बोला ऑन द बेंच, ऑन द बेंच सेट ऑफ वर्ड्स है, ऑन द बेंच, ठीक है भाई सेट ऑफ वर्ड्स आ गए इसमें, क्या ये कंप्लीट सेंस कर रहा है? No, तो ये इज दिस सेंटेंस ऑन द बेंच, इज दिस सेंटेंस, व्हाई? बिकॉज इट डजंट गिव अस कंप्लीट सेंस, राइट, कि हमें ये पूरा सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन ये सम सेंस दे रहा है, थोड़ा बहुत मीनिंग दे रहा है ऑन द बेंच, हाँ है ना, थोड़ा बहुत सेंस दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेज, दैट कॉल्ड एज अ फ्रेज। ओके, कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस द सम सेंस ना, दैट कॉल्ड एज अ फ्रेज, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस। तो यू कैन नोट दिस, सेंटेंस इज व्हाट, लिख लो आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस complete sense is called as sentence,
सिंपल. अनदर थिंग इज फ्रेज. पॉल वेयर इज योर बुक. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच gives us some sense is called as phrase. Ha, then another thing, sentence always ends with full stop. Okay, sentence always ends with full stop. Just remember this thing. There is another thing, clothes. Clothes के बारे में पता है किसी को? Excuse me. Hello. Right now. सिद्धेश्वर ऑफिस में बुलाया है. एग्जाम्पल भी चाहिए इसके आपको? जैसे कि सेंटेंस बोले. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल. दिस इज सेंटेंस. फ्रेज किसे बोलेंगे? ऑन द ट्री, है ना? दिस इज व्हाट फ्रेज. पूरा सेंस नहीं हो रहा है. ऑन द बेंच. At school. This is phrase. और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको. Phrase जो होते हैं ना, generally phrase start होते हैं preposition से. Phrases generally preposition से start होते हैं. अभी preposition क्या है आगे हम लोग वही सीखने वाले हैं parts of speech में. इतना अगर हो गया है तो ये रफ कर दूँ मैं, या फिर उस साइड कर लेते, इस साइड में कर लेते. हो गया सबका लिख कर? ठीक. ओके, डन. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. सो एज आई टोल्ड यू, देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, सच एज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रिपोजिशन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज नाउन. अभी ये शायद सभी बच्चे बच्चों को पता होता है नाउन क्या होता है. कौन बताएगा मुझे? चलो, व्हाट इज नाउन? समृद्धि, राइट? यस, टेल मी व्हाट इज नाउन. ओके, ठीक है. कबीर, व्हाट इज नाउन? नेम, थिंग, प्लेस. ओके, दिस आयुष, नेम. ओके, प्रज्वल, राइट? हाँ, प्रज्वल. सुनीता, ये एक, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ. हाँ 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 अच्छा, बता दे, चल. ओके, गुड. एक गेम रहता है ना रे, वो नेम, प्लेस, एनिमल वाला, है ना? अभी जैसे कि कुछ लोगों ने डेफिनेशन में बोला नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नाउन क्या है. व्हाट इज नाउन? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग नाउन है? नहीं. नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग नाउन है? नहीं. तो नाउन इज व्हाट? अ नेम गिवन टू नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और एक्सेट्रा.
मतलब जो नाम दिया गया है, जैसे कि इसको कुछ नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, मार्कर, इसका कुछ तो नाम है, क्या नाम है तेरा, रक्षा, है ना। हर एक चीज, कोई भी थिंग्स ले लो, कोई पर्सन ले लो, कोई प्लेस ले लो, कोई एनिमल, है ना, या कोई आइडिया, एनी इमोशन, हर एक इसको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, दैट इज नाउन, वो नाउन है। नाउन इज व्हाट, अ नेम। नाउन मतलब नेम प्लस थिंग एनिमल, ये नाउन नहीं है। नाउन इज नेम। नाउन इज व्हाट, नेम, ये ध्यान में रखो। नाउन क्या है, तो नेम है। तो नेम किसी को भी, अभी आप देख सकते हो आजू बाजू में जितनी भी चीजें हैं या जो भी दिखाई दे रहा है आपको, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग एनिमल, कुछ भी हो, ओके, हर एक चीज को कुछ ना कुछ क्या दे रखा है, नाम दे रखा है ना, हर एक चीज को। जैसे कि ये बेंच हो गया, मार्कर हो गया, कैमरा हो गया, हाँ, ये आप लोग बैठे, आपके फ्रेंड्स का नाम हो गया, बुक, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा, जो भी थिंग्स है। हम लोग रहे पुणे में है, है ना, मांझरी, केशव नगर, जो भी है, हर एक चीज़ों को, हर एक प्लेस को, थिंग को कुछ ना कुछ क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। सो नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन, ना कि एनिमल इज नाउन, ना कि थिंग इज नाउन, है ना, ये ध्यान में रखो। उनको दिया गया नाम, जैसे कि हिंदी में संज्ञा बोलते हैं ना उसको, संज्ञा पता है ना, उनको दिया गया नाम जो है, दैट इज नाउन, ये ध्यान में रखना। क्योंकि हमेशा डेफिनेशन में यही हो जाता है, पूछा तो सब लोग बोलते हैं नेम प्लस एनिमल थिंग, नहीं, उसको दिया गया नेम। नाउन इज वॉट, नेमिंग वर्ड, और अ नेम गिवन टू नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पर्सन, एक्सेट्रा, है ना, इनको दिया गया नाम इज नाउन। ओके, इस नाउन के भी टाइप्स होते हैं, देर आर सम टाइप्स ऑफ नाउन, सच एज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, है ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन। वो भी आगे जाके हम लोग डिटेल में सीखने वाले, आज बस हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही फोकस करते हैं कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उसकी बस मेन कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेंगे, ठीक है। सो नाउन का डेफिनेशन नोट कर लो, नाउन इज वॉट, अ नेम गिवन टू the person place animal thing or idea, idea भी बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, idea क्यों, abstract noun आता है उसमें, abstract noun में जिसमें हम लोग आइडिया, जैसे कि हैप्पी, सैड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, सो उसको भी दिया गया नाम, इट्स नाउन। ओके, नाउन इज अ नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एनी आइडिया। ओके, जैसे कि एग्जांपल अभी देने की, शायद एग्जांपल तो आपको समझ गए ना, पेन, पेंसिल, इरेजर, पुणे, मुंबई, है ना, टाइगर, जिराफ, हाँ, टेबल, और क्या है, थिंग कोई भी ले लिया, एनिमल ले लिया, प्लेस, पर्सन, कोई भी आइडिया, इमोशन, जैसे कि हैप्पी, सैड, एक्सेट्रा, ये सब कुछ किस में आएगा, नाउन में आएगा। नाउन समझ गए, लेट्स सी द सेकेंड वन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। नाउन सब लोग समझ गए, नेम, है ना, जैसे कि कोई भी एक नाउन बता दो, चलो अगर मैं एक नाउन ले लेती हूँ, मार्कर, ठीक है, एक नाउन ले लिया मैंने, क्या, मार्कर। अभी मैंने बोला कि आई हैव ग्रीन मार्कर, आई हैव ब्लू मार्कर, मार्कर इज नेम गिवन टू दिस थिंग, इसको नाम दिया गया है मार्कर, हम लोग बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते पेन बोलते, इसको हम लोग बुक बोलते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ को हम लोग ने कुछ ना कुछ नाम दिया गया, दैट इज़ नेम। लेकिन अगर मुझे उसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है ना, अगर मैंने बोला रक्षा को कि रक्षा गो एंड ब्रिंग ब्लू मार्कर, तो मैंने मार्कर लाओ ऐसे बोला क्या, जाओ और कौन सा मार्कर लेकर आओ, ब्लू, मतलब उस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, मोर इन्फॉर्मेशन दी, या फिर नाउन को क्या किया, डिस्क्राइब किया, नाउन को क्या किया, डिस्क्राइब किया ना, तो फिर जब नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं
एडजेक्टिव, समझ रहे हो? नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, अभी एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, सिंपल बात है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला इज एडजेक्टिव। नाउन समझ गए? नेम, नाउन इज नेम, है ना? जैसे कि नाउन के डेफिनेशन में भी ये आप ध्यान में रखो, नाउन इज व्हाट? अ नेम। तो अ नेम गिवन, तो कोई भी पर्सन प्लेस का। अगर उसी के बारे में आप ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ओके, या उसी को डिस्क्राइब कर रहे हो। अगर मैंने बोला कि देयर इज अ गर्ल, मज़ा नहीं आया। देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मज़ा आया? नहीं आया? कशाला उगत पड़ून जातील सगळे, म्हणतील कुठं आहे ब्युटिफुल, कुठं आहे, दिसत नाही आहे। ठीक आहे, तो यहाँ पर इस सेंटेन्स में क्या है? देअर इज अ ब्युटिफुल गर्ल। गर्ल इज वॉट? नाउन। गर्ल क्या है? नाउन है। उसको डिस्क्राइब किया गया है कैसे? ब्यूटिफुल। सो ब्यूटिफुल क्या हुआ? वो बीच में बहुत फेमस हुआ था रे, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, ये तो सबको पता होगा ना। इन लोगों को कुछ पता नहीं है कैसे मासूम चेहरे बनाए। तो वहां पर सो ब्यूटीफुल में ये ब्यूटीफुल क्या है? सो एलिगेंट में एलिगेंट क्या है? किसको डिस्क्राइब कर रहे थे वो? नाउन क्या था? वो ड्रेस नहीं, क्या वो ड्रेस को डिस्क्राइब? सो ब्यूटीफुल, ये वो चल गया, वो उस ट्रेंडिंग हो गया था। ठीक है, तो एडजेक्ट क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मार्कर में, बस मार्कर नहीं, ग्रीन मार्कर। सो ग्रीन इज व्हाट? एडजेक्टिव। मार्कर इज नाउन, लेकिन मार्कर कैसा है? ग्रीन, तो ग्रीन हुआ एडजेक्टिव। हाँ, बॉय है, मैंने बोला स्मार्ट बॉय इन माई क्लास, हाँ देर इज अ स्मार्ट, तो बॉय कैसा है? स्मार्ट, तो स्मार्ट क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा बेंच, तो बेंच, अगर मैंने बोला हार्ड बेंच, तो हार्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। अभी देखो, जनरली ये नाउन और एडजेक्टिव है ना, दोनों साथ में रहते हैं, जोड़ी है इनकी, नाउन की और एडजेक्टिव की, दोनों साथ में ही आते हैं। हार्ड बेंच, स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ग्रीन मार्कर, है ना, साथ साथ में आ रहे, मतलब वो नाउन को ही डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, जनरली वो साथ में आते हैं सेंटेंस में अगर देखा जाए तो। अगर आपको एडजेक्टिव ऐसे ईजिली आइडेंटिफाई करने को नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाउन तो समझ सकते हैं, नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेम तो आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है, नेम आइडेंटिफाई कर लो और उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड उसके बाजू में कहीं होगा, उसे ढूंढ लो, दैट इज एडजेक्टिव। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। अ वर्ड
विच डिस्क्राइब्स नाउन और विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन इज कॉल्ड एज वॉट एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या समझ में आ रहा है, क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. इफ यू वॉन्ट एग्जाम्पल देखो लिख लेते हैं. ब्यूटिफुल गर्ल, सो ब्यूटिफुल इज वॉट एडजेक्टिव है ना. या फिर स्मार्ट, बॉय स्मार्ट क्या है एडजेक्टिव. ग्रीन पेन, तो ग्रीन क्या है एडजेक्टिव. इस तरीके से नहीं, अभी प्रोनाउन ही आगे बताने वाले हूँ तो समझ में आएगा तुम्हें. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग ने कर लिए. वन इज नाउन, अनदर इज एडजेक्टिव. नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन को शॉर्ट में आप बोल सकते हो नेमिंग वर्ड. नाउन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, नोट कर लो चाहिए तो. ओके, नाउन शॉर्ट में बोलेंगे नेमिंग वर्ड. एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब करने वाला, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव. ध्यान में रखना है नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव. हाँ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज थर्ड वन, प्रोनाउन. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. ठीक, किसी को पता है क्या होता है प्रोनाउन? यस साक्षी. यस राइट करेक्ट, वेरी गुड, बैठ जाओ. अभी देखो, नाउन आपको समझ में आ गया, एडजेक्टिव समझ में आ गया, प्रोनाउन क्या होता है. अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल रक्षा इज अ गर्ल, रक्षा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, रक्षा गोज टू स्कूल एवरी डे, आई होप सो. रक्षा डज हर होमवर्क ऑन रेगुलर बेसिस, रक्षा डू दिस, रक्षा दैट, रक्षा रक्षा रक्षा. क्या हो रहा है इसमें? मैं बार 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 क्या हो रहा है, रक्षा रक्षा बार 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 उसका नाम रिपीट हो रहा है. सुनने में भी ठीक नहीं लग रहा है ना, सुनने में भी ठीक नहीं लग रहा है ना. इसके जगह क्या होना चाहिए था, कुछ दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग है ना, जैसे कि शी यूज कर सकते हैं, हर यूज कर सकते हैं. अभी सेंटेंस जैसे फ्रेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग राइट. कि जैसे कि मैंने बोला रक्षा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी डज हर होमवर्क ऑन रेगुलर बेसिस, शी दिस शी दैट राइट. तो यहाँ पर देन इट साउंड्स क्लियर एंड हाँ देन ये करेक्ट लग रहा है आपको, बिकॉज यहाँ पर प्रोनाउन यही है. मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रोनाउन क्या है, जो नाउन को हटाकर उसके जगह हम लोग जो दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं. रक्षा को हटा दिया और उसके जगह शी यूज किया, या फिर उसी जगह अगर कोई बॉय का नाम लेते तो उसको हटाकर उसके जगह ही यूज कर लिया है ना. कोई दूसरा वर्ड है अगर हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो उसके जगह हम लोग ने वी यूज कर लिया, दे यूज कर लिया, इट यूज कर लिया, हिम हर हिमसेल्फ हरसेल्फ आर आर सेल्फ दिस दैट दीज दोज ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए. ओके, मतलब जो नाउन को हटाकर उसके जगह पर जो दूसरे वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्लीट सेंस और प्रॉपर मीनिंग देने के लिए, उसे कहा जाएगा प्रोनाउन. तो इसका सिंपल डेफिनेशन यह बन रहा है, द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. सिंपल बन रहा है देखो, द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज वॉट
प्रोनाउन, है ना, नाउन को हटाकर जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन चाइवजी, नाउन के बदले में जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज प्रोनाउन. नाउन को हटाकर, उसके नाम में उसका मीनिंग है प्रोनाउन, नाउन को हटा दो और जो वर्ड यूज करेंगे वो हो जाएगा प्रोनाउन. समझे? द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज प्रोनाउन. तो कौन से प्रोनाउन होते हैं ऐसे? ही, शी, इट, वी, दे, देम, हिम, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आर, आरसेल्फ, देमसेल्फ. ओके, इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये सब क्या है? प्रोनाउन. अगेन, प्रोनाउन में भी उसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. ओके, तो ये अलग अलग प्रोनाउन के टाइप है. ये टॉपिक भी हम लोग आगे जाके सीखने वाले आगे के लेक्चर्स में. अभी तो बस ये सीख लो कि व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है ये समझ गए सब लोग? हाँ, जानवी, टेल मी व्हाट इज प्रोनाउन. तुझे जानवी नाव है ना? तुझे नाव क्या है? हाँ, संचेति, सॉरी. तू जानवी, थोड़ा टाइम लगेगा. चलो बताओ, व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज प्रोनाउन. पॉल, हाँ, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन. ए एन, ए एन बोला ना ये? ए, मैंने ए एन बोला. हाँ, आगे आके बैठो, नहीं तो बोल, मुझे एग्जांपल बताएगा. अगर एग्जांपल सही निकले तो ठीक, नहीं तो आगे आके बैठेगा. प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स बता दो. सेंटेंस भी नहीं, जस्ट एग्जांपल बोला है मैंने, सेंटेंस बनाने के लिए नहीं बोला है. चल बैठ आगे. क्या नींद में है क्या? हाँ, नहीं, रुको दो मिनट, देखने दो मेरे को सबको. श्रुति, यस, करेक्ट. प्रज्वल, व्हाट इज प्रोनाउन? कम एंड सिट हियर. हाँ, एग्जांपल्स बताओ आयुष. यस, करेक्ट. लिख लेते हैं डेफिनेशन, चलो नोट कर लो. द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. एग्जाम्पल, ही, शी, इट, हिम, हर, आर, वी, दे, देम, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आरसेल्व्स, this, that, these. अभी ये this, that, these, those का भी पता होगा ना आपको, near and far के हिसाब से. these, ये demonstrative pronoun में आते हैं, etc. और भी है, ये pronoun वाले topic में हम लोग आगे सीखेंगे वैसे, etc. yes, yes, ये personal pronoun आएंगे. me, my, mine, myself, these are the personal pronoun. okay, possessive pronoun मतलब बताया जाता है इसका उसका, है ना, him, her, himself, herself, है ना, our, ourselves, these are the possessive pronoun. demonstrative pronoun such as this, that, these, those, these are the demonstrative pronoun. also reflexive pronouns are there. ऐसे अलग अलग टाइप है, आगे पढ़ेंगे हम लोग वो सारे टाइप्स. तो इसमें ये ध्यान में रखना है, द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन.
which we use instead of noun. Noun की जगह दूसरा जो word use किया जाता है वो pronoun है. तीन part of speech हम लोग ने किए अभी तक, आपके सामने ही है. Noun, adjective, pronoun. Noun is a name, इतना ही ध्यान में रखो. Noun is name, किसी का भी नाम हो सकता है. नाम किसी का भी हो सकता है, हर एक इसको नाम दिया गया है. जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही है सबको नाम है ना, कुछ ना कुछ सबको नाम दिया है. सो नाउन इज नेम. एडजेक्टिव इज नेम को डिस्क्राइब करने वाला. नाउन को डिस्क्राइब करने वाला इज एडजेक्टिव. प्रोनाउन इज नाउन को हटाकर उसके जगह जो दूसरा वर्ड यूज किया है. नाउन की जगह जो दूसरा वर्ड यूज किया है, द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज प्रोनाउन. ये तीनों चीजें समझ गए सब लोग? हाँ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? गुड. अभी नेक्स्ट आगे करते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लूँ मैं पहले थोड़े? इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछ लूँ? ये लिख कर हो गया सबका? हाँ, तो क्लोज योर बुक्स नाउ. सेंटेंस का डेफिनेशन देखा था ना थोड़ी देर पहले. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देता है. तो सेंटेंस बनता कैसे ये ध्यान में रखना. इंग्लिश में जनरली सेंटेंस बनता कैसे है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस प्लस वी प्लस ओ. एस यानी कि, जिसको पता नहीं उनके लिए लिख देती हूँ, एस यानी कि सब्जेक्ट, वी यानी कि ऑब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट क्या होता है ध्यान दो. सब्जेक्ट क्या होता है ध्यान दो इधर. सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बोला जा रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट हुम, दैट इज सब्जेक्ट. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट रक्षा, देन रक्षा इज सब्जेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश इज सब्जेक्ट. मैं इस पेन की बात कर रही हूँ तो पेन हो गया सब्जेक्ट. जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है. ओके, वी यानी कि वर्ब. अभी ये वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी कि एक्शन बोल सकते हो, सिंपल एक्शन वर्ड. वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड. जैसे कि हम लोग सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन से एक्शन चल रही है, क्या हो रहा है ना. जैसे कि एक्शन लाइक खाना, पीना, सोना, लिखना, उठना, है ना, चलना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, जो भी है, ये सारे एक्शंस है. और इसको हम लोग एक वर्ड से बताते हैं, एक्शन को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ना, है ना. जैसे कि राइट, प्ले, डांस, स्विम, लर्न, लाफ, टीच, लिसन, स्माइल, ये सब क्या है? एक्शंस है, राइट. ये सब क्या है? एक्शंस. इसको, इस जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्शन वर्ड को कहा जाएगा वर्ब. एक्शन वर्ड को कहा जाएगा वर्ब. अभी ये वर्ब जो है ना, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. कितने? पांच फॉर्म्स हैं. कितने? फाइव फॉर्म्स हैं इसके. अभी कौन से फॉर्म्स हैं वो समझ लेते हैं. पहले इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म. एक होता है एस फॉर्म होता है वर्ब का, एक होता है वर्ब के साथ, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. बताती हूँ, मैंने बताया अभी, ये सब प्रीवियस बैचेस को देखो, ध्यान दो. अभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी एक वर्ब बता दो मुझे. चलो कोई भी एक बता दो, सिंपल. रीड, ठीक है. अभी रीड वाला, ठीक है, राइट वाला ले लेते हैं, समझने में आसान जाएगा आपको. अभी एक मैंने वर्ब लिखा राइट, तो राइट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट क्या है? बेस फॉर्म, बेसिक बेस फॉर्म रहेगा राइट ये, जो कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में. वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब का सेकेंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो राइट का पास्ट टेंस क्या बनेगा? रोट बनेगा. तो राइट का पास्ट टेंस इज रोट. दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी थ्री, इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल. इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल. ओके, पीपी वर्ब का थर्ड फॉर्म.
ये यूज होता है परफेक्ट टेंस में, ये यूज होता है परफेक्ट। आगे जाके हम लोग टेंसेस वाला टॉपिक करने वाले हैं, वहां पर आपको ये क्लियर होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पीपी वी आर गोना यूज इन द परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में यूज होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि राइट, रोट, उसका वी थ्री बनेगा रिटर्न, इसका वी थ्री क्या बनता है रिटर्न। देन अनदर फॉर्म इज द एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा है एस फॉर्म। अभी ये एस फॉर्म जो है जनरली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में भी कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। प्रेजेंट टेंस में भी कब, सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी आगे जाके टेंसेस वाले टॉपिक में ये बात और क्लियर होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म यूज होता है, मतलब राइट का एस फॉर्म क्या आ जाएगा, राइट्स बन गया। एंड लास्ट वन इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसमें वर्ब के साथ लगेगा आई एन जी, वर्ब के साथ लगेगा आई एन जी, मतलब क्या बनेगा राइटिंग, मतलब क्या बनेगा राइटिंग। मतलब बेसिकली एक कोई भी आप वर्ब ले लो ना, उसके इतने फॉर्म्स बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इतने फॉर्म्स बनेंगे। तो वो राइट हो सकता है, रोट हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, राइट्स हो सकता है, और इसको अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग टेंसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। बेसिकली ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिखा, लिखा था, रोट, है ना, रिटर्न परफेक्ट में चला गया, लिख रहा है, लिख रही है राइटिंग, है ना, राइट्स। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हमें बता रहे हैं वर्ब के, अलग अलग फॉर्म्स। लेकिन रिप्रेजेंट बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वर्ब इज व्हाट, जो एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ब इज व्हाट, एक्शन वर्ड। वर्ब इज व्हाट, एक्शन वर्ड, है ना। जैसे कि अलग अलग वर्ब्स हम लोग देखते, प्ले, डांस, स्विम, लिसन, लर्न, राइट, है ना, ये सब क्या है, वर्ब्स है। और ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हो गए, समझे वर्ब के फॉर्म क्या है। हाँ, नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब का डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। द वर्ब इज, द वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, दैट डिनोट्स एन एक्शन। हाँ, अरे बाप रे, 15 दिन बाद ये आ रही है। अरे पैर क्यों छू रहा है, रहने दे, आयुष भी फिर उसके बाद से ही आएगा। चलो इंजॉय करके आना, मस्त, हैप्पी जर्नी। The verb is a word that denotes an action. ये नोट कर लो, ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, दैट हाईलाइट करके रखना। वर्ब क्या बता रहा है, ये भी लिख लो, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख लूं, ही ईट्स, अभी जैसे सीजन चल रहा है किसका, मैंगो का, ही eats mango, a mango. What is verb? Eats. इसमें verb क्या है, eats जो है ये verb है, s form आ गया। He is eating a mango. He is eating a mango. तो यहां पर क्या आ गया, eating is verb, right?
इसकी बात कर रही थी ना मैं, ये आधा ही रह गया था, ये कंप्लीट करते हैं। हो गया इतना? ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। मैंने बोला कि सेंटेंस जो है इंग्लिश में कैसे बनता है, जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब आप समझ गए जो एक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जेक्ट यानी कि उसको सेंस देने के लिए, उसको मीनिंग देने के लिए हम लोग जो एडिशनली जो जोड़ते हैं एंड में, है ना, त्याचा शेपूट दैट इज ऑब्जेक्ट। हाँ, तर ते शेपूट इज ऑब्जेक्ट उसका सेंटेंस का रहेगा। इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाम का एक टॉपिक होता है। प्रेडिकेट पता है क्या है आपको? क्या होता है प्रेडिकेट? सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो भी बचेगा उसके आगे दैट इज प्रेडिकेट, दैट इज प्रेडिकेट। मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिलाकर क्या बनेगा? प्रेडिकेट बनेगा। जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है दैट इज प्रेडिकेट, है ना। जैसे कि मैंने बोला सिमरन, सिमरन अभी शर्मा गई बोलने से पहले, सिमरन इज अ डेंजरस गर्ल। तो फिर यहाँ पर बात किसकी कर रही हूँ मैं? सिमरन की। सिमरन कौन हो गई? सब्जेक्ट। उसके बारे में जो भी बात की, क्या बात की? डेंजरस गर्ल, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जन, प्रेडिकेट में जो है वर्ब कंसिस्ट होगा, प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बनेगा, समझे? तो ये जो ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर कभी कभार चेंज भी हो सकती है। ये सब्जेक्ट एंड में भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद में भी जा सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही ऑर्डर रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। हाँ, अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग करेंगे, फिफ्थ वन दैट इज एडवर्ब। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट इज एडवर्ब। हाँ, अभी एडवर्ब क्या होता है देखो, नाउन सीखा और एडजेक्टिव सीखा हम लोग ने। नाउन और एडजेक्टिव का क्या रिलेशन था? हाँ, नाउन और एडजेक्टिव का क्या रिलेशन था? यस, अभी जैसे कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कौन? एडजेक्टिव। तो वही बात है इनके बीच में भी, सेम सिचुएशन, सेम यहाँ पर चीजें हो रही है वर्ब और एडवर्ब के बीच में। जैसे उनकी जोड़ी है ना नाउन और एडजेक्टिव की, वैसे इनकी जोड़ी है। जैसे कि नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, वैसे ही वर्ब को डिस्क्राइब करेगा एडवर्ब, समझे? वैसे ही वर्ब को डिस्क्राइब करेगा एडवर्ब। सिंपल है, देखो जैसे हम लोग ने बोला था कि मार्कर, तो ग्रीन मार्कर, तो ग्रीन इज व्हाट? एडजेक्टिव। लेकिन अभी यहाँ पर वर्ब यानी कि एक्शन, तो वो एक्शन को डिस्क्राइब करना, अभी एक्शन कैसे हो रही है उसको डिस्क्राइब करना इज एडवर्ब। जैसे मैंने बोला ही राइट्स स्लोली, ही राइट्स स्लोली, अभी इसमें एडवर्ब क्या है रे? देखो ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, वेरी गुड, ही प्रोनाउन हुआ। राइट्स क्या हुआ? वर्ब, एक्शन हो रही है राइट्स, लेकिन वो एक्शन कैसे हो रही है? स्लोली, तो स्लोली उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, स्लोली उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो स्लोली क्या हुआ? एडवर्ब। स्लोली क्या हुआ? एडवर्ब। ही राइट स्लोली, मैंने बोला शी स्पीक्स फ्लुएंटली, व्हाट? यहाँ पर एडवर्ब क्या है? फ्लुएंटली, क्योंकि बात किसकी चल रही है? स्पीकिंग की। स्पीक कैसे करती है? तो फ्लुएंटली करती है ना,
स्पीक कैसे करती है तो फ्लुएंटली करती है, तो फ्लुएंटली स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? फ्लुएंटली शी को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? अगर वो शी को डिस्क्राइब करता ओके तो वो क्या होता? एडजेक्टिव, राइट। अगर मैंने कहा कि कोई एक पर्सन का नाम ले लेते, वो उस पर्सन को ऐसे मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल स्पीक्स फ्लुएंटली, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हुआ? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। गर्ल इज नाउन, स्पीक्स ये वर्ब हुआ, फ्लुएंटली एडवर्ब। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, अ फेरोशियस टाइगर रन्स फास्ट। अभी एग्जांपल मैं लिख कर देती हूँ, इसमें मुझे बताओ कौन क्या क्या है। इसमें हर एक वर्ड कुछ ना कुछ है, जैसे कि ये मैंने बोला ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस है, सेंस दे रहा है, हाँ सेंटेंस है ना। अभी ये सेंटेंस अलग अलग पार्ट को जोड़कर बना हुआ है, वही पार्ट्स तो हम लोग सीख रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर ये सेंटेंस बना है। अभी इसका हर एक पार्ट कौन सा पार्ट क्या है वो मुझे बताओ। फेरोशियस क्या है? फेरोशियस क्या है? क्यों भाई ये एडजेक्टिव क्यों है? Because this describes tiger, noun, है ना? So this is adjective. Tiger क्या है? Noun है, name दिया गया है। Runs क्या है? Runs है verb. और run कैसे कर रहा है? तो ये क्या हुआ? Adverb हुआ, समझे? ऐसे parts को जोड़कर बनता है sentence. ऐसे sentences को मिलाकर बनता है speech. यही तो सीख रहे हैं हम लोग, parts of स्पीच, समझ रहे हो? फेरोशियस टाइगर रन्स फास्ट में ये एडजेक्टिव नाउन वर्ब एडवर्ब। एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होगा फिर? विच डिस्क्राइब्स वर्ब। लिखो डेफिनेशन, लिखो, बता रहे हो, लिखो। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच describes verb or which gives more information about the verb. Example, you can write in this way. Also, you can write example this way. He writes slowly. What is this? Is adverb here, slowly. और एक आपको ट्रिक बता दूँ, एडवर्ब्स जो होते हैं ना वो हमेशा या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ly से एंड होते हैं। Slowly, fastly, fluently, beautifully, और क्या है ना, इस तरीके से जो हमेशा जनरली सॉफ्टली ly से एंड होते हैं। कौन? एडवर्ब। एडवर्ब ly से एंड होते हैं। समझ रहा है कि नहीं पॉल? या नींद आ रही है अभी भी? स्कूल में सिखाया क्या डिटरमाइनर? डिटरमाइनर भी सीखने वाले, इसके बाद का टॉपिक हम लोग डिटरमाइनर ही करेंगे। मैं सिखाऊंगी ना। डिटरमाइनर भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट में आता है, मतलब अभी ऐड किया है मॉडर्न इंग्लिश में। क्या इसमें क्या? तो चेंज हो सकता है, मैंने वो भी बोला था ना।
चेंज भी हो सकता है। अबे एक्चुअली तूने क्या किया है, ये जो सेंटेंस है व्हाइल से स्टार्ट किया है ना, तो ये कंजंक्शन क्लॉज आ गया, क्लॉज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ, जिसमें ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, ऐसे क्लॉजेस होते हैं, तो क्लॉज का यूज़ करके सेंटेंस बनाया है। अभी हम लोग ने 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 5 पार्ट्स उसमें से कंप्लीट किए है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, दैट इज प्रिपोजिशन, 6th वन ना, क्या सही है ना, फिर सही है। देखो पता है इसका मीनिंग, पता है नहीं पता, अच्छा ठीक है। सिमरन बता सकती हो व्हाट इज प्रिपोजिशन, मंग लक्ष्य दे। अभी प्रिपोजिशन इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है, हाँ इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है, कैसे रे, पोजिशन, हाँ। तो प्रिपोजिशन यानी कि पोजिशन, यानी कि क्या, जो पोजिशन दिखाने वाला है ना, कि विच शोज अस पोजिशन इन रिलेशन विद नाउन और वर्ब और थिंग, है ना, इसके रिलेशन में जो पोजीशन दिखा रहा है उसको बोलेंगे प्रिपोजिशन। जैसे कि अगर मैंने बोला कि दिस बुक इज ऑन द बेंच, ओके दिस बुक इज ऑन द बेंच, ऑन द बेंच, यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन बताई जा रही है नाउन की, है ना, नाउन की पोजीशन बताई जा रही कि कहाँ है, और वो वर्ड जो यूज किया गया है पोजीशन बताने के लिए उस वर्ड को कहेंगे प्रिपोजिशन, है ना। ऐसे प्रिपोजिशन बताने वाले वर्ड्स, जैसे कि मैंने बोला ऑन द बेंच, तो ऑन क्या हो गया यहाँ पर, प्रिपोजिशन, है ना। दिस मार्कर इज अंडर द बेंच, तो अंडर क्या हो गया, उसकी पोजीशन बता रहा है कि कहाँ है, नीचे है, है ना, है ना, कहाँ है, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ आजू बाजू, जो पोजीशन बता रहा है किसकी, नाउन वर्ब थिंग्स, जिसकी रिलेशन, उनका साथ क्या रिलेशन है या उनकी क्या पोजीशन है, ऐसे बताने वाला वर्ड यानी कि प्रिपोजिशन। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो इस तरह की पोजीशन बताते हैं, ऑन, एट, इन, वी आर सिटिंग इन द क्लास, इन, है ना, अंडर, इन टू, फॉर, देर, हाँ, देन सॉरी ये टू, एट, ऑफ, विद, ओके, ये सब कुछ क्या है, अक्रॉस, बिहाइंड, बिसाइड, अप, डाउन, है ना, इनसाइड, आउट, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, बैक, एक्सेट्रा, ये सब कुछ जो है ये क्या है, प्रिपोजिशन। अब हर एक का यूज अलग अलग है ना, ऑन का यूज अलग, अंडर का यूज अलग, एट का यूज अलग होता है, ऑफ का यूज अलग है, विद, इनसाइड, आउटसाइड, इन सभी का यूज क्या है, अलग अलग तरीके से, इनका आपको उतना तो पता है, इतना बेसिक्स तो आपको पता है ना, हर एक का यूज कैसे होता है। तो बेसिकली प्रिपोजिशन से क्या समझा हमको, प्रिपोजिशन क्या है, जो पोजीशन बता रहा है नाउन वर्ब, इनकी जो पोजीशन क्या है वो बताने वाला वर्ड इज प्रिपोजिशन। चलो राइट डाउन द डेफिनेशन, प्रिपोजिशन का डेफिनेशन नोट कर लो, द प्रिपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or a pronoun to show their relation relation or position, जो उनका relation या position बता रहा है, okay, with something else, with something
एल्स. तो ये ध्यान में रखना है क्या, विच शो देयर रिलेशन और पोजिशन, दैट इज प्रपोजिशन. एग्जाम्पल, ऑन, ऑफ, एट, अप, डाउन, बिहाइंड, बिसाइड, बाय, फॉर, इन, इनटू, और क्या है, अक्रॉस, हाँ, अंडर, बिलो. इसी तरह के एक्सेट्रा कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, हाँ, एटीसी. ठीक है, प्रीपोजिशन क्लियर हुआ सभी को? हाँ. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन. किसी को पता है इसके बारे में? कंजंक्शन के बारे में कोई बता सकता है? नोबडी? यस, अभिनव. हाँ, सही जा रहे हो. ठीक है, और कोई? कंजंक्शन विद प्रपोजिशन. एग्जाम्पल बता सकती हो विद प्रपोजिशन वाला? अच्छा, आणि तुझ्या स्कूलचं काय मग? विचारायलाच नको मग, है ना? हा टॉपिक शिकवलाय तुम्हाला? अच्छा, ये भी SNBP. तू भी येणार आहे SNBP में? तू कौन से स्कूल में? हाँ, तू भी उसमें ही है क्या? तुम दोनों सेम स्कूल में? जेवन. ओके, ठीक है, चलो. हाँ, कंजंक्शन क्या होता है कि जो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, कनेक्टर बोल सकते हो आप इसको. ठीक है, कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंस हो, दो वर्ड्स हो. इफ टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस या टू सेंटेंसेस, इसको कनेक्ट करने वाला वर्ड इज कंजंक्शन. समझ रहे हो कि कोई भी वर्ड ले लो, फ्रेज हो, सेंटेंस हो, क्लॉज हो, कुछ भी हो सकता है. ऐसे नहीं कि सेंटेंस कोई कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, वर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि पेन एंड इंक. पेन इज वर्ड, इंक वर्ड है, दोनों को कनेक्ट किया किससे? एंड पेन एंड इंक, इंक एंड पेन, ऐसे कुछ भी बोल दो. ठीक है, दोनों को किससे कनेक्ट किया? एंड से, है ना? वैसे बोला लाइक कार एंड पेट्रोल, दोनों दो वर्ड्स को कनेक्ट किया एंड से. दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला हो सकता है ना? शी इज अपसेंट टूडे बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल. हाँ, बिकॉज. दो सेंटेंस को क्या किया? कनेक्ट किया. या दो फ्रेजेस को कनेक्ट किया जा सकता है.
जो वर्ड्स को कनेक्ट किया जा सकता है, सेंटेंस को कनेक्ट किया जा सकता है, या क्लॉजेस को कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करने वाला जो वर्ड होता है उससे हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन। ऐसे कौन से कंजंक्शन होते हैं जनरली? एंड, बिकॉज, और, बट, और बिटवीन। हाँ, व्हेन। अभी कंजंक्शन में भी क्या होते हैं, इसमें भी दो टाइप्स है, देर आर टू टाइप्स। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनदर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी आप बोलोगे ये सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये वाला भी टॉपिक हम लोग आगे एडवांस लेक्चर में करने वाले हैं, आज बस बेसिक्स देख रहे हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं उसमें, तो कौन से सबऑर्डिनेटिंग, कौन से कोऑर्डिनेटिंग, विल लर्न लेटर। बट अभी कंजंक्शन क्या है ये समझ गए सब लोग? कंजंक्शन क्या है ये समझ गए? दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला इज कंजंक्शन। लिखो इसका डेफिनेशन, लिखो। कंजंक्शंस आर वर्ड्स कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट used to connect words, phrases, clauses or sentences। मतलब word को, phrase को, clause को, sentence को जोड़ने वाला, connect करने वाला is conjunction। तो ये ध्यान में रखना है, जो क्या करता है, विच इज़ यूज टू कनेक्ट, कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखो आप, पेन एंड इंक, टेबल एंड चेयर, पेन एंड इंक, टेबल एंड चेयर, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, शी इज़ ब्यूटिफुल बट, हाँ, बट शी इज़ ब्लाइंड, शी इज़ डम, हाँ, शी इज़ डम, ऐसे। द बुक वॉज ओपन बट शी वॉज स्लीपिंग, द बुक वॉज ओपन बट she was तो यहाँ पर and is conjunction, but is conjunction, और कैसे कैसे कौन से conjunction होते हैं, and, but, और, so, because, और क्या, when, etc. Time बहुत slow जा रहा है, कह रहे हाँ ना, आपको मन नहीं शायद, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब से बस 7:30 ही बज रहे हैं। वो मैथ्स करते वक्त फास्ट फास्ट हो जाता है, ये थियोरेटिकल में थोड़ा सा टाइम वो होता है। अभी नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बचा है, कौन सा है रे? इंटरजेक्शन। यहाँ कौन बैठा था, कौन गया? नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन, इंजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन।
इंटरजंक्शन भी नहीं, इंजेक्शन भी नहीं, इंटरजेक्शन होता है वो। हाँ, अभी क्या होता है ये इंटरजेक्शन? आप बोलोगे इंजेक्शन पता है, इंटरजेक्शन पता नहीं है। हाँ यस सिद्धेश्वर, या शॉर्ट नाव ठेवायचं का तुला? लय मोठं आहे सिद्धेश्वर, सिद्धू ठीक आहे। हां सिद्धू बोल। हां सिद्धू बोल, उभं राहून बोलायचं। अच्छा हां यस अभिनव बताओ इंटरजेक्शन नहीं आ रहा है। सिमरन ते को आता है? वो बोलने का नहीं बीच बीच में। श्रुति, अच्छा किसको पता है इंटरजेक्शन? हाँ संकेत, सांगच आता तो सांगच। हाँ ना, और वो सही निकला। अच्छा ठीक है, हाँ सही है। अभी इंटरजेक्शन, जैसे कि आपको एक्सक्लेमेटरी पता है ना रे? हाँ, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि जो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना। जैसे मैं हमेशा से ये एग्जांपल दे रही हूँ कि आप रास्ते से चल रहे हैं, ऐसे इधर उधर देखते देखते चल रहे हैं, हाँ, और बीच में पत्थर है नीचे और आपने देखा ही नहीं और ऐसे एकदम से गिर गए, हाँ मुँह में आता का होता थे सांगू कमी। ये देखती किसी और को ही देखती चलती होगी तो कैसे चलेगा? है ना, मनुष्य होता सर। तो उसके लिए देखकर चलना होता है। आप देखोगे ऊपर चलोगे इधर तो ऐसे गिर जाएगा तो मुंह में से एकदम अटक आ जाता है ना, फटक से आउच ऐसे, है ना। कैरेक्टर ही है ये। तो फिर ऐसे मुंह में से क्या निकला तेरे? सो दिस इज आईज व्हाट सडन फीलिंग। ये क्या थी? सडन फीलिंग थी ना, एकदम से अचानक से मुंह में आ जाना। आउच, ओ ओ माय गॉड, वाओ, है ना, ओ माय गॉड। ऐसा वाला फीलिंग है ना, जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बोलते हैं, इमोशन, दैट इज इंटरजेक्शन। वही है इंटरजेक्शन, कि अचानक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। जैसे कि हमारे, जैसे कि अभी मैच वगैरह चल रहा है, मैच देख रहे हो, जीत गए, ये हुर्रे, है ना, ऐसे एकदम। ठीक है, अभी जो टीम आप सपोर्ट करते हो मुझे तो नहीं पता, नहीं मैं देखती ही नहीं हूँ। तो फिर ऐसे मैच जीतने के बाद एकदम से खुशी से चिल्लाए, हाँ बस 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 ज्यादा हो गया, ओके। या फिर कुछ ऐसे दुख भरी बात है, तुम दुखी फील कर रहे हो, तब बोला जाता है अलास, है ना, हाँ इस तरीके से। तो सच फीलिंग्स, ओ हुर्रे, वाओ, बर्थडे को किसी ने सरप्राइज दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, है ना, है ना, इस तरीके से। हाँ ये बात भी सही है। Oh, how cute is this? It's like,
ये ऐसे गर्लिश थिंग, ये इंटरजेक्शन होता है. अरे हे शिकवायचंच पार्ट आहे. तू काय करतो संकेत, असं सडन फिलिंग्स कशा एक्सप्रेस करतो? तो त्याला मम्मीने मारून उठवलं, असं होत असेल है ना. ठीक आहे. सो इंटरजेक्शन समझ गए आप लोग. इंटरजेक्शन क्या है? कि ऐसा वर्ड जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज अ इंटरजेक्शन. एंड सच टाइप ऑफ वर्ड्स वी यूज इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड वेयर वी यूज एक्सक्लामेशन मार्क ऑल्सो. एक्सक्लामेशन मार्क पता है ना, उल्टा आए है ना. हाँ, एक्सक्लामेशन मार्क भी हम लोग जहाँ पर यूज करते हैं इस तरीके से. तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड्स का यूज किया जाता है, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एज अ इंटरजेक्शन. राइट डाउन द डेफिनेशन. An interjection is a word or sound. Sound भी बोल सकते हो, जैसे कि इसने बोला it's sound है ना. Interjection is a word or sound used to express sudden feelings or emotions. Sudden feelings, strong feelings or emotions. For example, alas, कभी यूज करतात, कब यूज करते? सैड, दुखी, ऐसे कुछ बताने के लिए अलास का यूज किया जाता है. शी इज गॉन. या फिर ओ What a pity. Oh. या फिर वैसा होता ना, वैसे वाला. हाँ क्या, चैट पे. हाँ यूज ऐसे. What a dirty place. ये शी वगैरह चाहे वो मराठी में आता है, इंग्लिश में नहीं आएगा. और क्या रे, ईयू, ईयू है ना. ईयू मेजरली यूज करते होंगे ना. हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच. ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है. हा, वी हैव वॉन. यस कबीर, बाकी ये सब लोग ने सेंटेंस बनाए. ठीक है, अभी ये सेंटेंसेस ये मैं चेक करूंगी अगले लेक्चर में. उसके साथ साथ होमवर्क भी सुन लेना. अभी होमवर्क ये है, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के आपको 5-5 सेंटेंसेस प्रिपेयर करके आने. 8 पार्ट्स है, 8 5 आ 40. हाँ, तो 40 सेंटेंसेस आपको बनाकर लाने. ओके, और ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जब मेरा ग्रामर का लेक्चर रहेगा तब आपको ये होमवर्क लेकर आना है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.